हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टिकटॉक टॉय गेम ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का हम डेमो देख लेते हैं। तो जैसे ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले इस प्लस स्क्रीन, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि विथ AI। तो सबसे पहले विथ AI की सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे नेम रख देते हैं, आप क्या नेम रखना चाहते हैं। जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जैसे प्ले किया जाता है टिकटॉक टॉय गेम को, आपने बहुत सारे इसको प्ले किया होगा, तो इस तरह से इसको प्ले कर लेंगे। और यहाँ पे जो स्कोर रहेगा, ऊपर स्कोर भी शो होगा, और नीचे जो है नीचे उसका यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से रन करा लेंगे, और रन कराते ही आप यहाँ से इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल भी दिया हुआ है, तो जो भी लेवल आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉसिबल, हार्ड, मीडियम, ईजी, जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आप जैसे फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, तो ईमेल पे आप फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना वो हम आपको चेंज करना आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जैसे एग्जिट करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आप आ जाएगा दो ऑप्शन, विथ फ्रेंड्स, तो इसे हम पहले फ्रेंड के साथ प्ले करना है, तो दो फ्रेंड के लिए यहाँ पे दोनों लोगों का नेम लिख देना है। जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोनों साइड सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम प्ले करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे टिकटॉक टॉय गेम को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे जैसे प्ले करते हैं और मैच, यहाँ पे जो मैच होगा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ से प्ले करना है, जो कि आप जानते होंगे कैसे इसको प्ले किया जाता है। और यहाँ पे आप जितना स्कोर रहेगा, स्कोर ऊपर जो है शो हो जाता है, फर्स्ट के लिए, सेकेंड प्लेयर के लिए, दोनों लोगों का स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। और अगर दोनों का स्कोर सेम हो जाएगा तो यहाँ पर मैच जो होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से जो फंक्शनलिटी है इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे आ जाता है। तो इस तरह से इस ऐप को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर जस्ट क्लिक कर देंगे, और करने के बाद जहाँ पे भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है तो सोर्स कोड को आपको यहाँ पे लेना है। तो इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लेकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं आपको एक जी फॉर्मेट में इसका सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएगा। जस्ट इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे, और ओके पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल होगी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे विनरार से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको दो फाइल यहाँ पे मिलेंगी, एक डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन को जैसे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा जो फाइल है सोर्स कोड का, तो सोर्स कोड भी ओपन करके इसको देखेंगे। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, इस डॉक्यूमेंटेशन को, इसमें जो सारे प्रोसेस लिखे रहते हैं। उसके बाद से जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा, इसमें सारी फाइल्स इसमें दी हुई है। उसके बाद इसको हमें सिंपली इंपोर्ट करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो जो भी आपका वर्जन होगा आप उसी में वर्क कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से मैंने जहाँ पे सोर्स कोड को रखा हुआ है तो मैंने अपने ई ड्राइव में रखा हुआ है, आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा। जस्ट यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने से पहले आपको अपने नेट को ऑन कर देना, और थोड़ा कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो नेट पे डिपेंड करता है, अगर नेट अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी से इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नेट स्लो रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इसमें कुछ डिपेंडेंसी होता है, कुछ फाइल्स होती है जो यहाँ पर डाउनलोड करता है ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा आप सारी फाइल्स को आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी कोडिंग को आपको यहाँ से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जावा वाली कोडिंग है, इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे बाकी सारी है, इन सबको आपको यहाँ से एक बार देख लेना होगा। तो इसको हम चेक कर लेंगे, और बाकी जो ड्राइवर फोल्डर में जितनी सारी इमेजेज रहती हैं, सारी इमेजेज जो है ड्राइवर फोल्डर के अंदर यहाँ पर रखी जाती है, ये सारी इमेजेज। उसके बाद से लेआउट वाले आएंगे, तो लेआउट में जितने डिजाइनिंग पार्ट है, डिजाइनिंग पार्ट आपको यहाँ पे लेआउट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एडमोव का ऐड भी लगाना, हम आपको बताएंगे कि एडमोव का ऐड कैसे लगाते हैं इस एप्लीकेशन में, वो हम लास्ट में देखेंगे। और यहाँ पे वैल्यूज में जाते हैं, वैल्यूज को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह सारी कोडिंग आपको देख लेना है। उसके बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे और यहाँ पर इसको देख लेंगे, और यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में नीचे वाले आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड किया हुआ है।
और इसके बाद से जो उसका API लेवल है मिनिमम SDK वर्जन और यहाँ पे SDK वर्जन, तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मेनली प्ले स्टोर पब्लिश करने के लिए इसका जो मिनिमम SDK वर्जन, यहाँ पे आपको 29 और आपका जो SDK वर्जन है यहाँ पे 16+ होनी चाहिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर जब पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे भी लिखा रहता है कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है पब्लिश करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में आते हैं। वैल्यूज में आने के बाद string.xml में आएंगे और यहाँ पे जो इसका नेम है एप्लीकेशन का नेम, तो एप्लीकेशन का नेम आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है TikTok Toy, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जस्ट TikTok Toy Game। तो कोई भी नेम आप यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का नेम है देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको दे देना है। और उसके बाद से जो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। और जो प्लेयर वन नेम, प्लेयर टू नेम, जैसा कि जब मैंने डेमो में आपको दिखाया था प्लेयर वन नेम लिखा हुआ था और प्लेयर टू नेम लिखा हुआ था, वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, इतना आप इसे कर लेंगे। और इसमें आपको आ जाना है कलर्स में, तो कलर्स जहाँ पे भी सब कलर्स दिया गया था तो आप कलर्स में चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स को कर सकते हैं, बाकी अगर ऐसे ही रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेआउट में आएंगे और लेआउट वाली जो कोडिंग है और डिजाइनिंग पार्ट है, दोनों पार्ट को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और यहाँ पे हिंट में भी प्रोवाइड किया गया है कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं, उससे पहले बाकी सारा जो कोड है उसको हम यहाँ से देख लेंगे। तो लेआउट वाली पार्ट यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी कोडिंग को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमोब का ऐड लगा हुआ है नीचे। तो इस एप्लीकेशन को क्रिएट करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ या खुद के साथ यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं TikTok Toy गेम को। तो बहुत ही अच्छा गेम है, यहाँ पे इसे बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो बाकी सारा जो लेआउट है इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से जो एरर है जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है और यहाँ पे हिंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे एरर रिमूव हो गया। तो इस तरह से यहाँ से जो एरर रहेगा रिमूव हो जाएगा। बाकी जो स्टेप्स हैं यहाँ पे नीचे वाला, तो इसको भी हम यहाँ से कोडिंग पार्ट को यहाँ से चेक कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको सारे कोडिंग पार्ट को यहाँ से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट कर लेना है। इसके बाद इसको हम चेक करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में रन करा के, या फिर आप जस्ट यहाँ से इमुलेटर को भी ओपन करके इस प्रोजेक्ट को रन करके आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे APK जनरेट हो गया। यहाँ पे पहले जो था इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये रहा इसका ऐप, यहाँ पे जो नेम चेंज करना है तो नेम चेंज करने के जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे और जो भी नेम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं APK का नेम, तो आपको यहाँ पे जस्ट चेंज कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में इसको रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो रहा है। और उसके बाद इसको ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि विथ AI या फिर विथ फ्रेंड्स, किसके साथ आप प्ले करना चाहते हैं गेम को। तो मैंने विथ मी के साथ यहाँ पे क्रिएट किया विथ AI के साथ। और यहाँ पे आपको नेम इंटर कर देना है, तो जो भी आप नेम इंटर करना चाहते हैं जस्ट यहाँ पे आपको नेम इंटर कर देना है। जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है पिक योर साइड, कंटिन्यू। और जैसे आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाता है TikTok Toy गेम, जैसा कि आपने प्ले किया हुआ होगा कि कैसे इसको प्ले करते हैं इस गेम को। तो यहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हैं। उसके बाद से जो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल दिया हुआ है, तो कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल प्रोवाइड किया हुआ है, ईजी वे में करना चाहते हैं और यहाँ पर हार्ड वे में करना चाहते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फीडबैक अगर सेंड करना चाहते हैं तो मेल का मैंने यहाँ पे URL दिया हुआ है, आप इसको फीडबैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है, तो आप डिफ़िकल्टी लेवल कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। टोटल 5 यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके होम पेज पे आ जाएगा। बैक करते हैं इसको।
और नीचे जो है रिफ्रेश का बटन भी दिया हुआ है, तो रिफ्रेश का बटन भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। विथ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे प्ले करते हैं, तो विथ फ्रेंड्स वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ से प्रॉपर जो है वर्क कर रहा है। तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं इस गेम को, या फिर विथ AI के साथ, दोनों के साथ आप ऐसे प्ले कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से इस एप्लीकेशन को। जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा गेम। तो ये इसका जस्ट डेमो है, जब इस एप्लीकेशन को आप रन कराएंगे, रन कराते ही इसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो एप्लीकेशन है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे इसे प्ले करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, और जितना भी एडिटिंग है सारी एडिटिंग हम करके आपको बताएंगे कैसे इसमें करते हैं। तो इसको भी हम कट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने कोडिंग पार्ट में आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे जो जावा वाली फाइल है इसको हम यहाँ से पहले इसका जो पैकेज का नेम चेंज करेंगे। जावा के बाद का जो लिखा हुआ है जस्ट यहाँ पे आपको जाना है रिफ्लेक्टर रीनेम पे क्लिक कर देना है, रीनेम पैकेज, और जो भी पैकेज का नेम यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पैकेज का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। पैकेज का नेम आपको यूनिक रखना है, यहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। फिर डू रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देना है, पैकेज का नेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर जो नीचे वाला है, नीचे वाले को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाले पे राइट क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्टर जाएंगे, रीनेम पे क्लिक कर देंगे, रीनेम पैकेज नेम, और यहाँ पे जो पैकेज का नेम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो पैकेज का नेम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से लिख दिया, उसके बाद जस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देंगे एंड डू रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे पैकेज का नेम चेंज हो गया। जैसे पैकेज का नेम चेंज हो जाता है वैसे जो इसका पूरा पैकेज का नेम है आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इसके पैकेज के नेम को, और उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। ऊपर वाला इसको हम कॉम कर देते हैं, रीनेम किया मैंने, इसके जगह पे हम कर देते हैं COM रिफ्लेक्टर एंड डू रिफ्लेक्टर। तो ये हो गया कॉम, उसके बाद से जो पैकेज का नेम, ये वाला पैकेज का नेम मैंने ले लिया। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं पैकेज के नेम को, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने नोट पैड पे इस पैकेज के नेम को। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है बिल्ड और ग्रेडर में, और यहाँ पे स्क्रॉल बार वो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे पैकेज के नेम को। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया कंप्लीट, सिंक्रोनाइज हो गया प्रोजेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स होता है कि इसमें जो फायरबेस ऐड करना, तो फायरबेस को कैसे ऐड करना है वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे जो वर्जन है वर्जन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कुछ भी चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जितना भी आपने चेंजिंग किया हुआ है वो सब सेव हो जाए। और यहाँ पे मैनिफेस्ट वाली फाइल में आएंगे तो पैकेज का नेम चेंज हो गया। इसके बाद से जस्ट लोगों का नेम यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। तो लोगों के नेम को आपको कैसे चेंज करना है, पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, और यहाँ पे एक लोगो हम जस्ट डेमो के लिए एक लोगो ले लेते हैं गूगल से। तो आप अपना खुद का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डेमो के लिए एक लोगो यहाँ से ले लेते हैं क्रोम ब्राउज़र से। यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जाने के बाद कोई एक लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लोगो को यहाँ से हम ले लेते हैं। और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से जो लोगो रहेगा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद इसका जो साइज है थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, जस्ट पेंट को ओपन कर लेना है, और जहाँ पे भी अपने लोगो को रखा हुआ है तो लोगो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको डाउनलोड्स फोल्डर में गया हुआ है, डाउनलोड्स फोल्डर में यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे, क्रॉप कर देंगे, और इसके जो साइज है थोड़ी सी हम इसको रिसाइज कर देते हैं, इसका कर देते हैं 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्रॉप कर देते हैं। तो पेंट से कोई भी जो इमेज होता है यहाँ से रिसाइज हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। बहुत सारे मेथड से आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं कैसे रिसाइज करते हैं, लेकिन पेंट सबसे ईजी रहता है। तो आप पेंट का यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक लैपटॉप में पेंट जो है अवेलेबल रहता है, आप जस्ट सर्च कीजिए पेंट, तो यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओके पे क्लिक कर देंगे और ये रिसाइज हो गया। फिर सेव एज पे क्लिक कर देना है, और जिस भी नेम से आप सेव करना चाहते हैं उसका नेम और .png नेम से अभी सेव हो जाएगा।
कोई और नेम यहाँ से हम लिख देते हैं, और जहाँ पे भी इसका लोकेशन देना चाहते हैं सजेस्ट यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। देने के बाद अब आपको जहाँ पे आपने रखा हुआ है सोर्स को, सॉरी इसका जो लोगो रखा हुआ है, तो लोगों को यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हम जाएंगे ड्रावल फोल्डर के अंदर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके एंड ओके। यहाँ पे रिफ्लेक्टर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर यहाँ पे ड्रावल फोल्डर के अंदर जो लोगो नेम का इमेज था यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैनिफेस्ट वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पे जो आइकन है इसके पास का जितना भी लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो मैंने इसका ड्रावल फोल्डर के अंदर लिखा हुआ रखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है लोगो, जो नेम आपने दिया हुआ है लोगो करेंगे तो ड्रावल फोल्डर के अंदर लोगो नेम से यहाँ पे सेट हो जाएगा, यानी कि जो लोगो है लोगो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से आपको लोगो को चेंज यहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जाना है प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में आने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ऐप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखा है गूगल सर्विस JSON, तो यहाँ पे JSON फाइल यहाँ पे ऐड करना है। पहले इसको एक बार हम सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाता है। इसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस। फायरबेस को ओपन कर लेंगे, गो टू कंसोल। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पहले आपको लॉगिन कर लेना है, उसके बाद इसे गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम है तो जस्ट एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेटअप फायरबेस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ सेकेंड का बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जस्ट इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे रन कराने तक का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको सारे स्टेप बाई स्टेप करके बताते हैं। तो इसको आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो सोर्स कोड आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख करके इस सोर्स कोड को डाउनलोड करके आप इस ऐप को क्रिएट कर लेंगे। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे पैकेज का नेम आपको इंटर कर देना है, तो मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया हुआ था नोटपैड पे अपने पैकेज के नेम को, जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी हो जाने के बाद वहाँ पे हमें इसे इंटर कर देना है पैकेज के नेम के साथ। यहाँ पे SH1 की यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने दें। रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड गूगल सर्विस JSON आ गया, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें जो इतना काम था बस इतना ही काम था, फायरबेस में हमें गूगल सर्विस JSON की फ़ाइल चाहिए होती थी, बाकी और कोई काम नहीं है इसमें फायरबेस से। इसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो कैसे यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है JCreator Pro। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए टेक्स्ट एडिटर हमें ली, तो कोई JSON फाइल रहती है तो बहुत ईजी तरीके से उसमें ओपन हो जाता है। तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको वहाँ से देख करके JCreator Pro को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो इसे ओपन कर लेते हैं JCreator Pro से JSON फाइल को। ओपन करने के बाद इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे पूरे कोड को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में और यहाँ पे JSON फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो गया आपके अपने JSON फाइल के साथ। और यहाँ पे आपको आ जाना है वापस फिर से एंड्रॉयड पे। तो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद से सबसे लास्ट वाला स्टेप्स यहाँ पे बचता है, वो है यहाँ पे एडमोब का ऐड लगाना। तो एडमोब का ऐड कैसे लगाना है वो हम आपको अभी इसी स्टेप में बताएंगे। तो यहाँ पे बस देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे ऐड करना होता है। तो एडमोब का ऐड अगर प्रॉपर तरीके से आप लगाएंगे तो ऐड से यहाँ पे शो होता है, अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो ऐड से शो नहीं होता है। तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि उनका ऐड से शो नहीं हुआ है, तो वो लोग थोड़ा सा एडिट कुछ प्रॉब्लम आ जाता है,
वो सही से ऐड को लगाते नहीं है, इस वजह से एरर आ जाता है। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अगर ऐड लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से शो होगा। तो आप देख सकते हैं सारी स्टेप्स में यहाँ पे आपको ऐड लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इस स्टेप को जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ऐड मूव। इसको पहले वो एक्सपेंड कर देते हैं इसको कोड को। और करने से पहले यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है सेटिंग एक्टिविटी, और आने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसका जो आईडी है, तो आईडी आपका खुद का यहाँ पे ऐड कर देना है। सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। कॉन्टेक्ट नंबर का मतलब यहाँ पे आपको अपना जी मेल आईडी यहाँ पे ऐड कर देना है कॉन्टेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे आपको अपना जी मेल आईडी ऐड कर दीजिए, और उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, वहाँ पे भी आपको अपनी जी मेल आईडी ऐड कर देना है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, और आपको अपनी जी मेल आईडी ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर दें। बाकी जो चेंजिंग करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं, फिर ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो चुका है। और इसके बाद आपको इसका जो ऐड मूव का ऐड हम लगाना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है ऐड मूव। तो पहले आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद अगर आपने साइन अप नहीं किया तो पहले आपको साइन अप कर लेना है, फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ऐड मूव का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऐप पे क्लिक कर देंगे, ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एंड्रॉयड का एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से ऐप का नेम, तो एप्लीकेशन का नेम आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो मैंने कर दिया टिकटॉक टॉय। ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो ऐड्स तुरंत शो होने लगता है, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो थोड़ा सा टाइम लगता है ऐड्स को शो होने में। तो आप परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐड्स शो होने लगेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐड्स का यहाँ पे ओपन हो गया, एप्लीकेशन की आईडी और यहाँ पे ऐड की आईडी, दोनों की आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन की जो आईडी है, जस्ट यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं अपने नोटपैड में। और उसके बाद से जो ऐड की आईडी है, तो ऐड की आईडी को भी यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो बस इसमें बस एक ही ऐड लगाना है, बैनर ऐड लगाना है। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो मल्टीपल लगा सकते हैं, तो उसकी सेटिंग आपको फिर से करनी पड़ेगी। बाकी इसमें जो सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको ऐड यहाँ पे बस एक ही ऐड यहाँ पे हम लगा के आपको बताएंगे, बैनर ऐड। तो सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल में जाना है, और एप्लीकेशन की जो आईडी है जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एप्लीकेशन की आईडी। उसके बाद से यहाँ पे जावा वाली फाइल में आएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऐड की आईडी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ऐड की आईडी को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे अपने नोटपैड से। ये रही ऐड की आईडी, तो ऐड की आईडी को जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको आपको आ जाना है कोडिंग में, और इसको पेस्ट कर देना है। बाकी सारी कोडिंग जो है आप ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, बस आपको आईडी पेस्ट करना है। इसके बाद से जावा वाली फाइल में, दूसरी वाली फाइल पे हम जाते हैं। नीचे भी आप इसे चेक कर सकते हैं क्या क्या यहाँ पे ऐड किया गया है। मेन एक्टिविटी में आएंगे, और यहाँ पे इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको आ जाना है नेम एक्टिविटी, इसको भी यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे ऐड की आईडी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बस आपको जो एप्लीकेशन की आईडी है, बस आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल में ऐड करना है, बाकी सब जगह यहाँ पे ऐड की आईडी पेस्ट करना है। यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको लेआउट वाली फाइल में आना है, और वहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही सारी कोडिंग को आपको ओपन कर लेना है, सारी फाइल को, और वहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देना है। कोई भी आपको मिस नहीं करना।
तो यहाँ पे नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको इसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लेआउट वाली में आ जाना है, और लेआउट वाली फाइल में भी हमें ठीक ऐसे ही हमें इसे ऐड करना है। आरईएस में जाएंगे, लेआउट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऐड की आईडी को जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरी वाली फाइल में आएंगे, दूसरी वाली को भी यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करके उन सब में आपको ऐड करना है सारी ऐड की आईडी को। अगर कोई भी मिस हो जाता है तो वहाँ पे ऐड नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे सबको आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करके इसको यहाँ पे ऐड को ऐड करना है। सेकेंड वाली फाइल को ओपन करेंगे, और यहाँ पे भी इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, तो सब में बैनर ऐड ही लगा हुआ है, जस्ट पेस्ट किया। थर्ड वाले को भी कर लेते हैं ऐसे ही, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितना भी ऐड है वो सब में आपको कर लेना है। ठीक है, तो सभी में हम यहाँ से कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो एरर आपको रिजॉल्व आप कर नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई एरर नहीं है, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको सेट नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से वहाँ पे एरर आ रही है, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि हमारा और उसका जो वर्जन है, वर्जन आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो वहाँ पे शो हो रहा था। तो ऐसे ही आपको सारे कोडिंग सारे यहाँ पे जो है ऐड की आईडी आपको रिमूव कर लेना है, और आप अपना खुद का ऐड आईडी यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई ऐड नहीं है, नीचे को भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी नहीं कोई है। ठीक है, ऐसे ही आपको सब कुछ यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमारी जो ऐड है कंप्लीट हो चुकी, ऐड आईडी आप ऐसे चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेशन का नेम mesting.xml से आकर के एप्लीकेशन का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो आप अपना बारे में आप लिखना चाहते हैं तो अबाउट के सेक्शन में आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे बिल्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके एक बार चेक करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। आप इसको एमुलेटर में भी रन करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरा बिल APK यहाँ से देख सकते हैं जनरेट हो चुका है, जस्ट यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो पहला वाला है इसको रिमूव कर देते हैं। ये रहा इसका, जो यहाँ पे APK का नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मूव कर देते हैं game.apk, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया, और लेने के बाद इसको हम जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, इंस्टॉल एनीवे। और उसके बाद से इसको आप देख सकते हैं जो लोगो है ऊपर सेट हो चुका है, यहाँ पे लोगो चेंज हो गया है ऊपर, और उसके बाद से जस्ट इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे इस प्लस स्क्रीन यहाँ से ओपन होगा, आप देख सकते हैं इसका जो वर्जन है, वर्जन मैंने चेंज किया था, तो वर्जन यहाँ पे चेंज हो गया। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ AI आप प्ले करना चाहते हैं, या फिर विथ फ्रेंड के साथ प्ले करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको सेट हो जाएगा। तो विथ AI मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको नेम ऐड कर देना है अपना, और यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आप प्ले किए हुए होंगे, कैसे प्ले करते हैं टिकटॉक टॉय गेम को, तो आप इसके बहुत ईजी तरीके से अपने फ्रेंड के साथ, या फिर आप अकेले ही इस एप्लीकेशन को आप इस गेम को खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, और इसको आप अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो फ्री टाइम में आप इसको प्ले कीजिए, एंजॉय कीजिए, इसको बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड लेवल है, ईजी लेवल है, मीडियम है, इम्पॉसिबल लेवल, इतने सारे लेवल आपको यहाँ से प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फीडबैक सेंड करना चाहते हैं, फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो जो आपने मेल ऐड किया हुआ है तो मेल में सारा फीडबैक
आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज करते हैं उसके फीडबैक वाले पार्ट को, ठीक है। इसके बाद अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं तो फ्रेंड का यहाँ पे नेम लिख देंगे प्लेयर वन प्लेयर टू। उसके बाद से आपको एक साइड सेलेक्ट कर लेना है और करने के बाद यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है क्रॉस का और यहाँ पे सर्कल, दो टाइप के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं टिकटॉक टॉय गेम को, जैसा कि आपने प्ले किया हुआ होगा तो आपको ये सब पता होगा। यहाँ पे जो मैच होगा ड्रॉ हो जाएगा अगर यहाँ पे कोई विन करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इसका स्कोर भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है फर्स्ट प्लेयर के लिए और सेकंड प्लेयर के लिए। और यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरा ऐड देख सकते हैं यहाँ पे ऐड मेरा शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मेरा न्यू अकाउंट मैंने ओपन किया है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ओल्ड अकाउंट आपका रहेगा तो तुरंत यहाँ पे ऐड शो होने लगेगा। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा एप्लीकेशन चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।